हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल, जिसका नाम है पॉजिटिव वाइब्स। फ्रेंड, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि मैं आपके लिए जितनी भी किडनी से रिलेटेड तरह तरह की जानकारियां हैं, जो सही और प्रामाणिक जानकारियां हैं, उनसे रिलेटेड वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ, ताकि आप अपनी बीमारी से अच्छे से तरीके से रूबरू हो सकें और आप अपनी बीमारी के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकें। क्योंकि जब आपको अपनी बीमारी के बारे में अच्छे से और एक सही और एक प्रामाणिक जानकारी होगी, तो आप अपनी बीमारी से एक पॉजिटिव एटीट्यूड में डील कर पाएंगे और अपनी लाइफ को अच्छे से और एक पॉजिटिव वे में जी पाएंगे। तो फ्रेंड, इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। फ्रेंड, शेयर करना इसलिए ज़रूरी है ताकि ये वीडियो हर उस व्यक्ति के पास पहुँचे जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है। आप जब किसी की हेल्प करेंगे तो ही आपकी कोई हेल्प करेगा। तो फ्रेंड, वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो फ्रेंड, आज आप जान ही गए होंगे कि हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड, हम जिस मेडिसिन के बारे में बात करने वाले हैं, पहले हम जानते हैं कि वो मेडिसिन हमारी बॉडी में क्या काम करेगी और वो हमारी किडनी के कौन से फंक्शंस ठीक करेगी, उसका काम क्या रहेगा हमारी किडनी को ठीक करने के रिगार्डिंग। तो पहले फ्रेंड, जानते हैं कि सीकेडी होता क्या है। सीकेडी मीन्स क्रॉनिक किडनी डिजीज़ होता है, जो एक पुरानी बीमारी होती है जो बॉडी में या आपकी किडनी में लगी रहती है। जो इसके लगने के बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया, एमपीजीएन हो गया, या आपको बहुत पुराने समय से हाई बीपी है, साथ में आपको माइल्ड शुगर था, फिर आपको हाई शुगर हो गया, या ये कहें कि आपको पहले लाइट शुगर था, आपने ध्यान नहीं दिया, फिर धीरे धीरे आपका शुगर बढ़ता चला गया और उसके साथ आपका बीपी भी हाई होता चला गया और धीरे धीरे आपकी किडनी का साइज सुगड़ता चला गया और एक ये स्टेज आई कि आपकी किडनी बिल्कुल ही फेल हो गई। तो फ्रेंड, आप लोग जानते हैं कि सीकेडी की 5 स्टेज होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो फ्रेंड, जो ये फोर्थ और फिफ्थ स्टेज होती है, वो बिल्कुल ही एंड स्टेज होती है, जिसमें डॉक्टर पेशेंट को डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की सलाह दे देते हैं। तो फ्रेंड, जो ये स्टेज है फाइव स्टेज के बाद किडनी का कोई इलाज नहीं है, तो इसी के लिए ये मेडिसिन आई है। और ये क्या करेगी कि होता क्या है क्रोनिक किडनी डिसीज़ में, कि जो किडनी के टिश्यू होते हैं वो सिकुड़ने लगते हैं और दूसरा, जो किडनी के नेफ्रॉन्स होते हैं वो बिल्कुल ही डैमेज हो जाते हैं। उनका डैमेज होने के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि आपको कोई नेफ्रॉन से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन लग गया है किडनी में बहुत साल पहले, और धीरे धीरे वो आपकी किडनी के नेफ्रॉन्स को डैमेज करता रहा और आपने कभी ध्यान नहीं दिया, और आज ये स्थिति आ गई कि आपकी किडनी के जो नेफ्रॉन थे वो बिल्कुल ही डैमेज हो गए और उन्होंने फिल्ट्रेशन करना बिल्कुल ही छोड़ दिया, जिसकी वजह से आपकी आज ऐसी अवस्था है। तो फ्रेंड, ये मेडिसिन करेगी क्या कि ये आपके जो टिश्यू सिकुड़ गए हैं उसको नॉर्मल साइज में लेकर के आएगी। किडनी के जो भी नेफ्रॉन्स डैमेज हुए हैं, क्योंकि जो नेफ्रॉन होता है वो एक नसों का गुच्छा टाइप का होता है, उसके अंदर बहुत सारी नसें होती हैं, एक दूसरे से जॉइंट होती है और एक छलनी जैसी होती है, जिससे हमारा ब्लड जो होता है वो छन के साफ होकर के हमारी बॉडी में जाता है और वहीं से जो भी क्रिएटिनिन, यूरिया और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं और जो भी हमने पानी पिया होता है, जो एक्सेस वाटर बॉडी में होता है, उसको हमारी किडनी मूत्र मार्ग से निकाल करके हमारी यूरेथ्रा में, जो ये मूत्र कोटी होती है यहाँ नीचे हमारे पेट के नीचे, जिसको यूरेथ्रा बोला जाता है, वहाँ पे इकट्ठा कर देती है। जब ये भर जाता है तो हमको यूरिन आता है। तो ये मेडिसिन इसी पर ही काम करेगी और ये नेफ्रॉन को धीरे 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 ठीक करेगी। ये आपका स्टेज फर्स्ट से लेकर के स्टेज जो भी 5 तक के पेशेंट है उनके ऊपर काम करेगी। इसमें आपके जिनको भी डायबिटीज़ है, जिनको भी हाई बीपी है, उस पर भी ये काम करेगी। वो पेशेंट भी इस दवाई को खा सकेंगे और इसका फ़ायदा ले सकेंगे। तो फ्रेंड, ये एक चमत्कारी चीज़ होगी अगर ये मेडिसिन जल्दी से आ जाती है। अब बात कर लेते हैं कि ये मेडिसिन आपको कब तक मिल जाएगी। तो फ्रेंड, ये मेडिसिन इसी साल आ जाएगी, इसी साल आ जाएगी। अभी 5-6 महीने के भीतर ही ये मेडिसिन लॉन्च होने वाली है। इसकी न्यूज़ अभी बिल्कुल ही ताज़ी ताज़ी है और ये जल्दी ही लॉन्च होने वाली है, क्योंकि इसके जितने भी ट्रायल्स थे वो कंप्लीट हो गए और ये जो मेडिसिन है वो जल्दी ही आपको आपका डॉक्टर, अगर ये मेडिसिन
4 से 5 महीने के भीतर आ गई, तो ये एक क्रांतिकारी बदलाव होगा किडनी बीमारी को लेकर के, क्योंकि ये मेडिसिन जो होगी वो आपकी किडनी के लिए कार्य करेगी और आपकी किडनी को दोबारा से रिस्टोर करेगी, मतलब आपकी किडनी के जितने भी फंक्शंस हैं उनको दोबारा से रिस्टोर करेगी। वो रिस्टोर कैसे कर पाएगी, जब वो आपके डैमेज नेफ्रॉन्स को दोबारा से ठीक करेगी, जो भी आपके किडनी के सेल्स हैं, जो आपके नेफ्रॉन्स के सेल्स हैं उनको रिपेयर करेगी। जब वो रिपेयर होंगे तो आपके नेफ्रॉन्स भी ठीक होने लगेंगे और धीरे धीरे आपकी किडनी काम करने लगेगी। फ्रेंड, किडनी के अंदर एक खास बात यह होती है कि जब किडनी के, जब आपने देखा है जब किडनी किडनी का ट्रांसप्लांट होता है, जब जब कोई डोनर अपनी किडनी किसी दूसरे आदमी को दे देता है, तब उसके पास एक किडनी होती है, लेकिन वो एक किडनी भी 2 किडनी के बराबर काम करती है, क्योंकि जो किडनी होती है वो अपनी कार्य क्षमताओं को बढ़ा लेती है। तो वैसे ही अगर मान लो इस दवाई से, इस मेडिसिन से आपके 20% नेफ्रॉन काम करने लगते हैं, तो ये किडनी क्या करेगी कि आपको ये डबल कर देगी, 40% नेफ्रॉन जो हो गए वो आपके काम करने लगेंगे, डबल रेशियो में काम करने लगेगी किडनी। तो इससे क्या होगा कि जो आपका यूरिया है, क्रिएटिनिन है, जितने भी आपके हार्मोन्स हैं उनका सबका बैलेंस करने लग जाएगी, पोटेशियम, फास्फोरस, ये सब नहीं बढ़ेगा आपकी बॉडी में, ये सब बाहर निकल जाएगा। और ये भी होगा कि आपके बॉडी में एरिथ्रोपोइटिन नामक जो हार्मोन होता है उसका भी प्रोडक्शन करने लग जाएगी, जो आपको बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड, ये एक क्रांतिकारी बदलाव होने वाला है और मैं भी आशा करता हूँ कि ये जल्दी से जल्दी आ जाए। न्यूज़ तो फ्रेंड ऐसी बोल रही है कि ये 4 से 6 महीने के भीतर आ जाएगी। अगर आती है तो फ्रेंड एक ये क्रांतिकारी बदलाव होगा किडनी पेशेंट के लिए, उनको एक नई राह मिलेगी अपनी लाइफ को आगे ले जाने के लिए। फ्रेंड, बहुत खुशी की बात है और ये न्यूज़ मुझे आपको देनी थी तो मैं आपको दे दिया। इस मेडिसिन का नाम मैं आपको बता देता हूँ, इस मेडिसिन का नाम है बारडोजोलोन मेथिल। आप इसको गूगल पे जब सर्च मारेंगे तो इसके बारे में जितनी भी न्यूज़ है वो आपके सामने आ जाएगी, आप जाके वो न्यूज़ स्टडी कर सकते हैं और इसके बारे में सारी डिटेल दी हुई हैं उसमें। उसमें जो अमेरिकन गवर्नमेंट साइट है, जो मेडिसिन से रिलेटेड साइट है, वो सबसे पहले खुलेगी, आप जाके उस पर सारी न्यूज़ देख सकते हैं। और जो इसकी स्पेलिंग है बारडोजोलोन मेथिल, BARDOXOLONE, बारडोजोलोन मेथिल, METHYL, मेथिल। तो फ्रेंड, बारडोजोलोन मेथिल, आप चाहे तो मैं आपको इसका दूसरा वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको न्यूज़ भी दिखा दूंगा। तो फ्रेंड, आप इसको जा कर के सर्च कर लेना और इसकी सारी डिटेल ले लेना, और अपने डॉक्टर से जब आप दिखाने जाएं तो इसके बारे में एक बार कंसल्ट ज़रूर कर लेना, क्योंकि फ्रेंड ऐसा होता है ना कि अगर इसके ट्रायल्स इंडिया में भी हो रहे होते हैं तो डॉक्टर जब आपको प्रिस्क्राइब कर दिया जाता है, कि आपका जब नाम वहाँ पर रिकमेंड कर दिया जाता है, तो वो लोग आपको ले लेते हैं ट्रायल्स के लिए। तो फ्रेंड, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो आपको तो आप ये मत सोचिएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, आप पहले जाके इस पर गूगल पर जाके सर्च मार लीजिएगा, रियल की न्यूज़ है और ये मेडिसिन जल्द ही आने वाली है, क्योंकि जो इसका ट्रायल था सेकेंड और थर्ड वो हो चुका है। अब बस ये मेडिसिन लॉन्चिंग की ही बारी है, अब ये कब लॉन्च हो जाएगी, अब ये इसी साल लॉन्च हो जाएगी, तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ होगी और जो ये किडनी पेशेंट है उन सब के लिए एक आशा की किरण होगी। तो आप इसको सर्च कर सकते हैं, मैंने आपको स्पेलिंग भी बता दी और आप इसको जाके सर्च कर, मैं इसका जो नाम है ना वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं, वहाँ से कॉपी कर लेना और जाके गूगल में पेस्ट कर देना, पेस्ट करके आप इसको सर्च मारेंगे तो सारी न्यूज़ इसके बारे में आ जाएगी। तो फ्रेंड, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा तो फिर वीडियो भी गड़बड़ हो जाएगी, आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो फ्रेंड ठीक है, वीडियो को ख़त्म करते हैं, धन्यवाद।